तो हेलो जी, कैसे हैं आप? डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूँ। तो भाई जी, वो लोग आपने नहीं देखा है, मुझे पता है बहुत कम लोगों ने देखा है, रक्षाबंधन वाला। वो लोग अच्छा था, मिस्टी ने अच्छी एक्टिंग की थी, उसके एक्टिंग के पैसे भी ज़बरदस्त मिलने चाहिए और मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। पर कहानी कुछ ऐसी है भैया जी, वहाँ मैं बैठा हुआ था, पिज्ज़ा हमने खा लिया था, पिज्ज़े के बाद मैं कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, कोल्ड ड्रिंक के बाद में मुझे फ़ोन आता है एसी वाले का कि भैया आपने कंप्लेंट डाली हुई है कि आपकी एसी नहीं चल रही है। मैं बिल्कुल डाली है भैया। तो एलजी से फ़ोन आता है मुझे कि भैया आज ही आ रहे हैं रक्षाबंधन पे ही। तो मैंने कहा आ जाइए भैया। तो तुरंत मैं पहुंचता हूँ घर पे और वो आके मेरी एसी को कैसे देखता है। ये ऐसा होता है? हाँ, मुझे किसी ने बताया था कि ये साफ़ कर दे तो कूलिंग शुरू हो जाएगी। वो तो इतना कैसे, इतने धूल कैसे आ गई यहाँ पे? अच्छा आती है दर्जी। चलो, मैं कह रहा हूँ ये तो 22 पे शिमला मनाली बना देता था यहीं पे मेरा एसी। धूप कितना ये खत्म साफ हुआ। कहाँ पे कर? कर दो, कहीं पे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा साइड से मैं पहले वाला एसी था ना मेरा, उसके जैसा ही हो गया। मगर ये तो हर ये दोनों है ना, इसमें हाँ हैं। हाँ ठीक है, इन्हें आप लेकिन ऐसे नहीं कर पाओगे। ये हाँ, तो मेरे को आदत पड़ी हुई, इसलिए मैंने लॉक एकदम बिठा दिया। अच्छा, मतलब देख के सामने के। हाँ, हाँ। तो पूरा हाइट ले लेना। अच्छा, लॉक है ना ऊपर, इनको निकाल। ओके, और आगे वो खींच लेना, अब मतलब बाहर की तरफ। ओके, फिर जब लगाओगे ना। हाँ, ऐसे रखना है, ऐसे करके। हाँ, पीछे करना, ऐसे दबाओ, जब ऊपर जाओगे तो पूरा लॉक। हाँ, कट कट की आवाज़ आएगी जब लग जाएगा लॉक। धन्यवाद भाई। लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कंपनी को दिखाना है भाई को कि मैं यहाँ सर्विस करके आ चुका हूँ। ये लोग कहाँ चढ़ के फोटो ले रहा है भाई। पियो चिल, बिल्कुल चिल पानी, बियर की तरह। हाँ तो भैया जी, कैसे है? ये लाइन ज़्यादा बोरिंग होगी। अच्छा, सबसे पहले फैन बंद कर देता हूँ और एसी कर देता हूँ चालू। एसी चालू ही है, फैन बंद हो गया। फैन बंद करने का कारण ये है कि आपको वॉइस फालतू में ना आए कोई। वैसे एसी भी अभी वॉइस कर रही है हल्की हल्की, जो ऐसा आती है हमिंग टाइप। तो भैया जी, खुशखबरी ये है आपके लिए, थोड़ा रोक के बताऊंगा क्योंकि आपको रोके रखना भी ज़रूरी है, आप रुकते नहीं हो। मैंने खरीदी थी पैंट, ये पैंट। तो ये ऐसे तो दिखेगी नहीं, दूर से दिखानी पड़ेगी। तो जो इसकी लेंथ है वो ऐसे है, कितनी चौड़ी है ये, और इसकी लंबाई जो है वो एडी तक जा रही है। इसको थोड़ा चिटिंग करानी पड़ेगी, लेकिन चौड़ाई में इसकी यही रखूँगा। तो ये पैंट मैं सरोजनी से लेके आया था, कुल कितने की अंदाज़ा लगाओ? 300 रुपये में। तो अभी अगर आपने भी कभी दिल्ली जा रहे हो कपड़े खरीदने हैं तो सरोजनी जाओ, वहाँ से कपड़े खरीद सकते हो। ज़्यादा ऊपर हो गया कैमरा, मैं नीचे हो गया। कैमरे का ये वाला एंगल होता है ना, तो ये वाले इस एंगल में आदमी को ताकतवर दिखाते हैं, ये वाला एंगल। और इस एंगल से दिखाते हैं, इस वाले से, कि बेचारा लाचार कितना गरीब है। तो मैं गरीब हूँ, थोड़ा सा एंगल ये रखता हूँ। तो भाई जी, ब्रेकफास्ट यानी कि चॉकलेट आधी रात खाई थी, आधी अब खा रहा हूँ। थैंक यू मेरी बहन जिसने मुझे ये दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राखी भी दी है, बांधी नहीं अभी, वही बांधेगी क्योंकि मैं मिला नहीं उसको। यूट्यूब पे एक नया अपडेट आया, ये यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। जितने भी नए यूट्यूबर आए हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया, जिनको लगता था 4000 घंटे का वॉच टाइम इतना आसान नहीं है करना। मेरे फेस पे लाइट कम आ रही है, तो मेरे पास जब चीज़ें हैं तो मैंने यूज़ की नहीं करती, मैं ढूंढता हूँ अपनी लाइट को। अब ठीक है, ज़्यादा वाइड भी आ रहा है यार, वाइड चलेगा? कुछ फालतू की चीज़ें दिख रही होगी आपको, कोई बात नहीं चलेगा। तो भैया जी, जो नया अपडेट आया है वो ऐसे है, नए यूट्यूबर के लिए इतना अच्छा है कि आप सुनोगे तो आप चीख उठोगे, ये माय गॉड वाओ। हम भी तैयार है यूट्यूब में आने के लिए। तो भैया जी, अपडेट ये है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, टाइम बिना वेस्ट के बता देता हूँ आपको। केवल करने हैं 500 सब्सक्राइबर अब आज से, यानी कि रक्षाबंधन का ऑफर समझ लो, तोहफा समझ लो, कुछ भी समझ लो। आज से आपने करने हैं, जो सब्सक्राइबर है वो 500 करने हैं, और जो वॉच टाइम है वो केवल 3000 घंटे का करना है, यानी कि 1000 घंटे
कम कर दिया उन्होंने। और शॉर्ट्स की बात करूँ तो 3 मिलियन पे आपको मोनेटाइज मिल जाएगा अगर 3 मिलियन और 500 सब्सक्राइबर हो गए। एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, ये रात ही अपडेट आया है। और जैसे अपडेट आया मैंने देखा 2 बजे के आसपास की बात है, और रात के 2 बजे हुए थे। मैं एडिट कर रहा था रक्षाबंधन वाला व्लॉग, रक्षाबंधन वाला व्लॉग मैंने डाल दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो सॉरी, आपकी गलती है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अपडेट बताता रहता हूँ। हाँ जी, 3 मिलियन यानी कि आप अगर 3 मिलियन कर देते हैं 90 दिन में, और 90 दिन में 3 मिलियन कर देते हैं और 500 सब्सक्राइबर कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं अपने वीडियो पे, तो भेजिए आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। कहानी भी ऐसी है। तो भैया जी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लगती है कि हाँ आपके लायक है, मैं अच्छी दे रहा हूँ, आपको मिल रही है अच्छी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई बड़ा पैसा नहीं लगेगा आपका, और आप भी चैनल बनाइए, आप भी शुरुआत कीजिए। मैं आपको सब्सक्राइब कर दूँगा, आपको सपोर्ट करूँगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो कहानी, छोटा सा व्लॉग था, तुमसे वार्तालाप करनी थी, तुमको कुछ बताना था, तो जाना है इसको ठीक कराने। ये ठीक तो नहीं होगा, दूसरा बनवाने जाना है, ऐसा फ्रेम अब नहीं मिलेगा। और मैंने वीडियो में नहीं डाला है कैसे टूटा था, मैं सोच रहा था इसको ऐसे डालूंगा जैसे आपने एक जेठालाल का एपिसोड देखा होगा, जेठालाल अपने बापूजी के चश्मे पे बैठ जाता है। अरे हाय, क्या मज़ा आता है चश्मे में बैठने के बाद में, जब उसको पता लग जाता है कि मैंने चश्मा तोड़ दिया बापूजी का। अगर नहीं देखा तो वो भी देखना जाके। तो भैया जी, कहानी कुछ ऐसी थी कि आपको बताना था कि सब्सक्राइबर बढ़ाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, पैसा कमाओ, फालतू घूम रहे हो इधर उधर मत घूमो। और कोई अगर आप नहीं बनाना चाहते चैनल, कोई और बनाना चाहता है, आपका रिश्तेदार दोस्त, फैलाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका पैसा कम नहीं होगा, जितना आपको मिलना है वो मिलेगा। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि भैया जी प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ भी मत लिखना, भैया जी बता दीजिए हमें ये पूछना है, तो हम आपको वन मैसेज का रिप्लाई देंगे कि भैया जी ऐसा करो, ऐसे स्टार्ट करो, एक मोबाइल लो, आपके पास जो नॉलेज है उसमें वीडियो बनाओ और वो अपलोड करो, कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है। मुझे नहीं पसंद आ रही, मेरे जैसे और 4 लोग भाई है, 4 में से 2 लोगों को तुम्हारी बातें बस जरूर पसंद आएगी, जरूरी नहीं 5 के 5 लोगों को आए। अभी मेरी वीडियो देख लो, बहुत सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और जितने लोग सब्सक्राइबर हैं, अगर इतने लोग मेरी वीडियो को देख ले तो हो सकता है कि वो बिना देखे भी चले जाते हैं, कोई कोई खोल लेता है तो वो देख भी लेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान और नेपाल में मेरी वीडियो देखी जा रही है। आज मैं रात चेक कर रहा था अपने मोनेटाइजेशन में जाके कि कौन कौन कहाँ कहाँ के लोग देख रहे हैं। सब्सक्राइबर बहुत कम देख रहे हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो ज़्यादा देख रहे हैं, नेपाल और नेपाल के 3% और पाकिस्तान 2% लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।